जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आईटीबीपी के अंदर कॉन्स्टेबल टेलीकॉम और हेड कॉन्स्टेबल टेलीकॉम की जो वैकेंसी निकली है, तो उसके अंदर हेड कॉन्स्टेबल टेलीकॉम की जॉब प्रोफाइल का वीडियो मैंने पहले से बना दिया है, आपने वो वीडियो देख लिया होगा। उसी वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट आए कि सर कॉन्स्टेबल टेलीकॉम की जॉब प्रोफाइल के बारे में वीडियो बनाइए। तो अगर आपने हेड कॉन्स्टेबल टेलीकॉम के संबंध में वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपको हेड कॉन्स्टेबल टेलीकॉम के संबंध में जानकारी चाहिए। आज के वीडियो में हम कॉन्स्टेबल टेलीकॉम की जॉब प्रोफाइल, सैलरी, क्या ड्यूटी करनी पड़ती है, कितना वर्कलोड रहता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इस संबंध में पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, कॉन्स्टेबल टेलीकॉम और हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आईटीबीपी के अंदर आ चुकी है। तो आईटीबीपी के अंदर जो टेलीकॉम जो नौकरी जॉब होती है, जैसे कॉन्स्टेबल टेलीकॉम है, चाहे हेड कॉन्स्टेबल टेलीकॉम है, तो ये जो आती हैं सिग्नल प्लाटून के अंदर में आती हैं। जैसे आप किसी भी प्रकार के, जैसे फोर्स है, जो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, सभी के अंदर, जैसे एक तो जीडी के बटालियन होगी, जीडी के जवान होते हैं, एडम प्लाटून हो गई, इसके अलावा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की होगी, हॉस्पिटल स्टाफ की होगी, इस प्रकार सिग्नल प्लाटून होती है, सबका अलग अलग टास्क होता है। तो जो टेलीकॉम के जो भर्ती होते जवान, चाहे कॉन्स्टेबल रैंक से हैं, चाहे वो हेड कॉन्स्टेबल रैंक से हैं, तो ये लोग सिग्नल प्लाटून के अंदर में आते हैं। तो सिग्नल प्लाटून का जो मेन काम होता है वो होता है किसी भी प्रकार के जैसे सिग्नल्स होते हैं उनका जैसे आदान प्रदान करना, एक जगह से दूसरे जगह पर संचार के जो साधन होते हैं, कंप्यूटर हो गए, इंटरनल फोन हो गए, लैंडलाइन फोन वगैरह होते हैं, या फिर एक कनेक्शन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्शन देना है, या फिर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में मैसेज पास करने होते हैं, ये सभी जो सिग्नल प्लाटून होती है उनके अंदर ही काम होता है। अब उसके अंदर अलग अलग रैंक के जवान होते हैं, जैसे सबके अंदर, जैसे आप बीएसएफ वगैरह के अंदर जाएंगे तो जैसे रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक बोल दिया जाता है, ऐसे सीआरपीएफ में जाएंगे तो जैसे टेक्नीशियन हो जाएगा, रेडियो ऑपरेटर हो जाएगा, रेडियो फिटर हो जाएगा, चीजें वही होती हैं, सभी के अंदर अलग अलग चीज बोला जाता है। तो इसके अंदर जैसे टेलीकॉम, जैसे रेडियो ऑपरेटर वगैरह होते हैं उनको हेड कॉन्स्टेबल टेलीकॉम बोला जाता है, लेकिन मेन हम बात करें कॉन्स्टेबल टेलीकॉम की। कॉन्स्टेबल टेलीकॉम क्या होते हैं? वैसे सिग्नल प्लाटून के अंदर अगर आप बीएसएफ, सीआरपीएफ इनके अंदर अगर आप देखते हैं तो इनके अंदर कॉन्स्टेबल की कोई रैंक नहीं होती। सिंगल प्लाटून के अंदर मिनिमम जो रैंक होती है वो हेड कॉन्स्टेबल रैंक की होती है। जो रेडियो ऑपरेटर होते हैं वो हेड कॉन्स्टेबल रैंक के होते हैं, कॉन्स्टेबल रैंक के नहीं होते हैं। अब ये जो कॉन्स्टेबल रैंक के जो जवान होते हैं, ये टेलीकॉम ब्रांच से आईटीबीपी में भर्ती हो जाते हैं, तो इनका जो वर्क होता है ये जो हेड कॉन्स्टेबल टेलीकॉम होते हैं इनके अंडर में वर्क करते हैं, क्योंकि हेड कॉन्स्टेबल टेलीकॉम जो होता है वो कॉन्स्टेबल से सीनियर हो जाता है, क्योंकि उसकी जो रैंक होती है वो हेड कॉन्स्टेबल की होती है, और जो सिटी टेलीकॉम हो गया उसकी रैंक कॉन्स्टेबल की होगी। तो ये तो आप सबको पता हो गया कि कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल, एक कॉन्स्टेबल को हेड कॉन्स्टेबल बनने में मिनिमम 15 से 20 साल लगती है, तो एक जवान जो हेड कॉन्स्टेबल रैंक से भर्ती हो रहा है, एक जवान कॉन्स्टेबल रैंक से भर्ती हो रहा है, तो जो हेड कॉन्स्टेबल हो गया वो कॉन्स्टेबल से सीनियर हो गया। तो हेड कॉन्स्टेबल सीनियर होता है तो कॉन्स्टेबल उसके अंडर में काम करना पड़ेगा। रही बात जो सिग्नल के जैसे चार्ज हो गया, चाहे आपकी प्लाटून पोस्ट पे ड्यूटी है, सेक्शन पोस्ट पे ड्यूटी है, या फिर यूनिट हेडक्वार्टर में ड्यूटी है, जहां पे भी आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो आपको वर्क जो करना वो हेड कॉन्स्टेबल टेलीकॉम या फिर उससे सीनियर जो भी होंगे उनके अंडर में आपको वर्क करना पड़ेगा। जो भी सिग्नल वगैरह के रेडियो सेट वगैरह है, वीएचएफ सेट वगैरह है, जो सिग्नल को आदान प्रदान करने के जितने भी उपकरण वगैरह होते हैं, वो सभी हेड कॉन्स्टेबल टेलीकॉम जो होता है उसके अंडर में चार्ज में रहते हैं। उसके बाद में उसको जो वर्क करवाना है वो कॉन्स्टेबल टेलीकॉम से कुछ भी जो उसको वर्क करवाना है वो अपना वर्क उसके अंदर उसको बता दे करवाता है। मेनली जो इनका वर्क होता है वो मैंने बताया कि सिग्नल के अंदर ही वर्क होता है, तो उससे संबंधित जो कार्य होंगे, जैसे किसी भी मतलब बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर आप पोस्टेड हैं तो वहां पे लैंडलाइन तार बिछाना है, जैसे एक इंटरनल फोन होते हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कनेक्शन देना है, तो उसकी जो कनेक्टिविटी देनी है, वायरिंग लगानी है, ये सभी कॉन्स्टेबल टेलीकॉम करता है काम, वो हेड कॉन्स्टेबल के अंडर में काम करता है, उसको बताया आपको ये काम करना है तो वो करता है। फिर हेड कॉन्स्टेबल जो वर्क करने के लिए जाएगा उसके साथ कॉन्स्टेबल टेलीकॉम भी जाएगा। जैसे ऑपरेटर वगैरह होते हैं, हेड कॉन्स्टेबल टेलीकॉम होते हैं, इनकी जैसे सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह पर पास करने में ड्यूटी लगती है, लेकिन कॉन्स्टेबल टेलीकॉम जो होते हैं ये हेड कॉन्स्टेबल के असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, तो इनका जैसे एक प्रकार से लाइनमैन का जैसे ड्यूटी होगा, जैसे एक अपना लाइनमैन होता है, इलेक्ट्रिक वगैरह का देख लेना है, जनरेटर वगैरह का देख लिया, इसके अलावा किसी प्रकार की कंप्यूटर केबल वगैरह होगी,
इंटरनेट लैंडलाइन वगैरह होगी, उनके अंदर किसी में प्रॉब्लम आ रही है, किसी में कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो ये सब वर्क होते हैं, ये कॉन्स्टेबल टेलीकॉम देखता है। और हेड कॉन्स्टेबल टेलीकॉम के अंडर में ये लोग रहते हैं, इनकी तैनाती ज़्यादातर आपकी बटालियन हेडक्वार्टर में होती है। वैसे आपकी प्लाटून पोस्ट, सेक्शन पोस्ट, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ आपको जाना पड़ता है। जैसे किसी भी जगह पर कनेक्टिविटी वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर नई वायरिंग बिछानी है, कुछ ऐसा वर्क करना पड़ता है, तो आपको प्लाटून पोस्ट, सेक्शन पोस्ट पर भी जाना पड़ता है। तो आपका जो मेनली वर्क होता है ये यही होता है। और जो सिग्नल सेंटर के अंदर जो हेड कॉन्स्टेबल टेलीकॉम होते हैं, उनकी जो प्रोफाइल मैंने आपको बताया, पहले बताया कि उसका वीडियो मैंने पहले बता रखा है, बना रखा है, वो आप जाके उसको देख सकते हैं। और बात करें हम इसकी वर्कलोड की, तो वर्कलोड को ज़्यादा नहीं रहता है, ऑफिशियल जो टाइम होता है उसी टाइम पे आपको वर्क करना पड़ता है। और जब जब ऑफिस के अंदर किसी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको जो सिग्नल सेंटर होता है उसमें बताया जाता है, उसके बाद में आपको आदेश दिया जाता है इस जगह पर प्रॉब्लम है, तो आपको ये कनेक्टिविटी जो भी लाइन मैन का लाइन की रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो आपको जाके काम करके आना पड़ता है। इसके बाद में अगर हम बात करें इनकी सैलरी की, तो सैलरी आपकी जो एक कॉन्स्टेबल जीडी को जो सैलरी मिलती है बेसिक पे 21,700 से शुरू होती है। उसके बाद आपको जो अलाउंस मिलते हैं, जैसे अभी महंगाई भत्ता 38% मिल रहा है आपको, HRM मिलता है। इसके अलावा जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप कहीं पे पोस्टेड हो जाते हैं, तो उस एरिया के हिसाब से जो वहाँ पे अलाउंसेज होंगे, चाहे आपको रिस्क अलाउंस मिलता है, आपको TPT मिलती है, जो जो अलाउंस आपको लागू होंगे वो सभी अलाउंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो ब्रीफ से मैं सैलरी के ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा, इसी वीडियो के अंदर अगर पूरी डिटेल से हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सैलरी के ऊपर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। लेकिन आपकी बेसिक पे 21,700 होती है, जो कॉन्स्टेबल जीडी जैसे CGD से भर्ती होता है, चाहे किसी भी ट्रेडमैन से है, मेडिकल स्टाफ से, कॉन्स्टेबल अगर आपकी रैंक होती है 21,700 आपकी बेसिक होती है, उसके ऊपर जो जो अलाउंस मिलते हैं वो आप जोड़ के आपकी सैलरी बन जाएगी। वैसे अच्छी खासी सैलरी है, और जॉब भी मतलब बेहतरीन जॉब है, इतनी खराब जॉब नहीं है। जैसे अगर आप जीडी से कॉन्स्टेबल भर्ती होता है, एक आप भर्ती हो रहे हैं मतलब इसे टेलीकॉम से, तो उनसे आप अगर कंपेयर करके देखते तो आपकी जॉब बेहतरीन है। जीडी की कोई ड्यूटी निर्धारित नहीं होती, वैसे आपको ऑपरेशन ड्यूटी, मोर्चा ड्यूटी वो तो करनी पड़ती है, लेकिन जैसे कैंप मेंटेनेंस है, कैंप सिक्योरिटी है, किसी प्रकार का एडम ड्यूटी है, मतलब ऑपरेशन ड्यूटी, सभी प्रकार की ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप किसी स्पेशल जैसे आप ट्रेड्समैन से या फिर जैसे टेलीकॉम से, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से, हॉस्पिटल स्टाफ से, इनसे अगर आप भर्ती हो जाते तो आपको जिस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर भर्ती हो आपको वही काम करना पड़ता है। तो आप अगर कॉन्स्टेबल टेलीकॉम से भर्ती हो रहे तो आपको इससे रिलेटेड ही वर्क आपको करना पड़ता है, बेहतरीन जॉब है। और वर्कलोड भी मतलब आप सोचो कि ज्यादा वर्कलोड है तो इतना ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है। ड्यूटी हावर्स का भी ये नहीं है कि आपकी दिन रात ही ड्यूटी चल रही है, इमरजेंसी में कोई ज्यादा टास्क आ जाता है तब की तो बात अलग है, नहीं तो आपकी नॉर्मल ड्यूटी चलती रहती है। और एक मतलब प्रकार से अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आप 10th पास प्लस ITI हैं, और अगर आप फोर्स के अंदर जाना चाहते हैं, अगर आपकी भाई एजुकेशन अगर 10th ही पास है तो आप उसी लेवल की अगर भर्ती देखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन जॉब है, आपके लिए सुनहरा अवसर ITBP के अंदर आया है। आप इसके अंदर अपनी अच्छी तैयारी करके और आप एग्जाम दे के इसके अंदर सिलेक्शन होके ITBP के अंदर और भारत देश की सेवा का आपको एक मौका मिल रहा है, और आप इसके अंदर एक अच्छी तैयारी करके जा सकते हैं। ड्यूटी के लिए, जॉब के लिए, या आप इस प्रकार की ये ड्यूटी अच्छी नहीं है या कोई टेम्परेरी है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि टेम्परेरी जॉब आपकी, जैसे अभी आर्मी वगैरह, नेवी वगैरह, एयरफोर्स वगैरह के अंदर टेम्परेरी जॉब आ रही है, तो ऐसा कोई जॉब नहीं, आपकी फिक्स जॉब है। मिनिमम आप 20 साल नौकरी कर सकते हैं, अगर आप 20 साल सर्विस करके पेंशन आना चाहते आ सकते हैं, अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो आपकी जब तक 60 साल एज नहीं हो जाती है तो आप 60 साल की एज तक आप आराम से इसके अंदर जॉब कर सकते हैं। और पक्की जॉब है आपकी, किसी प्रकार की टेम्परेरी 2 साल 4 साल अग्निवीर वगैरह जैसी कोई जॉब है नहीं। तो जहां तक मेरा विचार है, आपको इस ड्यूटी के बारे में जो आप कॉन्स्टेबल टेलीकॉम से भर्ती होना चाहते हैं, तो जॉब प्रोफाइल, सैलरी, वर्कलोड मोटा मोटा मैंने वीडियो के अंदर लगभग कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगले वीडियो आपके टॉपिक पे मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।